इस देश से आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त कर देना है। और भाई और बहनों, मैं सीधा मुद्दे पर आता हूं। मुझे बताइए, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक कांग्रेस पार्टी जो है राहुल बाबा की पार्टी, एक कांग्रेस पार्टी 70 साल से राम मंदिर के मुद्दे को अटकाकर लटकाकर भटकाकर चलती थी। आपने अरविंद को जिताया, दूसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। भाई और बहनों, ये कांग्रेस पार्टी देखिए, ये मजलिस से डरते हैं, ओवैसी से डरते हैं। राम जन्मभूमि का जब प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, हमने उनको निमंत्रण भेजा, खड़गे जी को भी भेजा, सोनिया जी को भी भेजा, राहुल जी को भी भेजा, मगर वो प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आए। क्यों नहीं आए मालूम है? बोलो क्यों नहीं आए? अरे वो अपनी वोट बैंक से डरते हैं, वोट बैंक से। उनकी वोट बैंक कौन है मालूम है ना भाई? पक्का मालूम है? देखो आप नहीं हो, कौन है मालूम है ना? अरे मैं बताता हूं, हम वो वोट बैंक से नहीं डरते। मोदी जी ने राम मंदिर भी बनाया, काशी विश्वनाथ का मंदिर भी बनाया और सोमनाथ का मंदिर भी सोने का बन रहा है। भाइयों बहनों, सोने का बन रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने हमारे सारे आस्था केंद्र को फिर से पुनर्जीवित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मोदी जी ने इस देश में से आतंकवाद को समाप्त कर दिया। भाइयों बहनों, कांग्रेस की सरकार चलती थी, सोनिया मनमोहन की सरकार 10 साल चली, आए दिन आलिया मालिया जमालिया आते थे, बम धमाके करते थे और चले जाते थे। कोई कुछ नहीं बोलता था, वो कदम भी नहीं उठाते थे, अपनी वोट बैंक से डरते थे। मोदी जी की सरकार आई, उरी और पुलवामा में हमला हुआ, मगर 10 ही दिन में मोदी जी ने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया किया। नक्सलवाद को मोदी जी ने समाप्त कर दिया। भाइयों बहनों, झारखंड, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पूरे देश भर में से नक्सलवाद समाप्त हो गया, सिर्फ छत्तीसगढ़ के कोने में बचा है। आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, हम नक्सलवाद को पूरे भारत से समाप्त करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की। तेलंगाना वालों, मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? ये खड़गे साहब कहते हैं राजस्थान और तेलंगाना वालों को कश्मीर से क्या लेना देना। अरे खड़गे साहब, आपका आयु तो 80 के ऊपर हो गया, मगर आप मेरे तेलंगाना वालों को नहीं जानते हो। तेलंगाना का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान दे सकता है, जान दे सकता है। 70 साल से एक कांग्रेस पार्टी धारा 370 को संभाल कर रखी थी, क्योंकि उनके मन में अपनी वोट बैंक का डर था।
आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, हमने धारा 370 को 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया। और भाइयों और बहनों, जब धारा 370 हटाई तो एक कांग्रेस के सहजादे राहुल बाबा कहते थे धारा 370 मत हटाओ, कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं हुई है। कंकर चलाने, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मित्रों, कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम वापिस आएंगे तो धारा 370 को वापिस लाओगे। अरे राहुल बाबा, शेख चल्ली के सपने मत देखो, ना आपको वापिस आना है ना धारा 370 को आना है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ट्रिपल तलाक हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए? जोर से बोलो, हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए? मोदी जी ने हटा दिया। एक कांग्रेस वाले कहते हैं ट्रिपल तलाक मत हटाओ, हम वापिस लाएंगे। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी तुष्टिकरण एपिसमेंट की राजनीति। भाइयों बहनों, मैं आज कहने आया हूं, अरविंद जी यहां खड़े हैं, मैं आपको बताता हूं, यहां हल्दी का क्रॉप बहुत बड़ा होता है। होता है या नहीं होता है? टर्मरिक का क्रॉप बड़ा होता है या नहीं होता है? सालों से टर्मरिक बोर्ड बनाने की मांग थी, और ये अरविंद धर्मपुरी मोदी जी के इतने पीछे पड़ गए कि मोदी जी ने टर्मरिक वॉर बनाकर हल्दी किसानों के लिए बहुत बड़ा काम किया है। भाइयों बहनों, उसके हेडक्वार्टर के लिए भी यही आपके यहां बने, इसके लिए भी अरविंद पीछे पड़े हैं। इसको दूसरी बार एमपी बना दो, हेडक्वार्टर भी आपके यहां निश्चित रूप से आ जाए। भाई और बहनों, यहां बीडी वर्कर्स, इनके अस्पताल की डिमांड है। मैं मोदी गारंटी कहकर जाता हूं, अरविंद भाई को जिता दो, बीडी वर्कर का अस्पताल बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करे। मुझे बताओ, आप सभी लोग पीएफआई पर बैन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? जोर से बोलो, लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? ये लोग ना बोलते थे, मगर मोदी जी ने एक ही दिन में 100 से अधिक स्थानों पर रेड कर PFI पर बैन लगाकर देश को आतंकवाद से मुक्त करने का काम किया है। ये ओवैसी PFI पर बैन का विरोध करते हैं, अरे ओवैसी जितना विरोध करना है उतना करो। PFI जैसी संस्थाएं इस देश में नहीं चल पाएगी, ये भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है। भाई और बहनों, यहाँ पर कोरुटल और बोधन चीनी मिल हुआ करते थे, और उसको बंद करने का काम TRS और कांग्रेस पार्टी ने किया है। मैं चीनी गन्ना के सारे किसानों को कहना चाहता हूँ, अगर सब कुछ अच्छा रहा तो कोऑपरेटिव बेसिस पर किसानों को मुनाफा मिले, ऐसी चीनी मिल हम फिर से बनाने का काम करें। भाइयों बहनों, अभी यहां जो विपक्ष का उम्मीदवार है उसको ढूंढना पड़ता है या नहीं पड़ता है? 5 साल से लापता है, अरविंद को चुनकर दो, बुलाए बगैर आपके यहां रोज आने का काम अरविंद भाई करेंगे। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी की यहां सरकार बनाई, उन्होंने
अपने तेलंगाना राज्य को कांग्रेस का एटीएम बना दिया। देश भर में जीएसटी लगता है, यहां आरआर टैक्स लगता है। तेलंगाना में आरआर टैक्स है मालूम है? आरआर टैक्स क्या है? राहुल रेवंत टैक्स का नाम आरआर टैक्स है। हर रोज सैकड़ों करोड़ रुपया इकट्ठा कर दिल्ली के दरबार में भेजने का काम एक कांग्रेस पार्टी करती है। भाइयों बहनों, पसंदगी दो लोगों के बीच में है। एक 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस पार्टी और दूसरी ओर 23 साल तक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहने के बाद भी एक 25 पैसे का आरोप नहीं है। ऐसे नरेंद्र मोदी, आप बताओ राहुल बाबा और नरेंद्र मोदी में किसको प्रधानमंत्री बनाओगे? जोर से बोलो, किसको बनाओगे? अरे और जोर से बोलो, किसको बनाओगे? अगर नरेंद्र मोदी को बनाना है तो अरविंद भाई के नाम के सामने कमल का निशान है, उस पर बटन दबाना है। दबाएंगे क्या भाई? देखो बटन तो दबाना, परंतु इतनी जोर से दबाना कि बटन यहां तेलंगाना में दबे और करंट इटाली में जाकर लगे। भाई और बहनों, ये असदुद्दीन ओवैसी, बीआरएस पार्टी और कांग्रेस पार्टी, ये मुसलमानों का तुष्टिकरण करने वाली एबीसी है। ए से मतलब है असदुद्दीन ओवैसी, बी से मतलब है बीआरएस, सी से मतलब है कांग्रेस पार्टी। ये तीनों लोग इकट्ठा होकर मुस्लिम तुष्टिकरण में डूबे रहते हैं। ये लोग भगवान राम की शोभा यात्रा पर प्रतिबंध लगाते हैं, राम नवमी का जुलूस निकालने नहीं देते हैं। हैदराबाद मुक्ति संग्राम की याद में हैदराबाद विमोचन दिन मनाने नहीं देते हैं। ये सीएए का विरोध करते हैं, ये यूसीसी का विरोध करते हैं, और ये तीनों राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का भी विरोध करते हैं। भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये लोग झूठ के आधार पर पॉलिटिक्स करने वाले। कांग्रेस पार्टी ने कहा मोदी जी बहुमत में आएंगे तो रिजर्वेशन हटा दी। अरे भाई, अक्कल कहां घास चरने गई है? मोदी जी के पास 10 साल से पूर्ण बहुमत है। कितने साल से है भाई? जोर से बोलो, कितने साल से? मोदी जी ने पूर्ण बहुमत का उपयोग रिजर्वेशन हटाने में नहीं किया, आरक्षण हटाने में नहीं किया, बहुमत का उपयोग धारा 370 हटाने में किया, बहुमत का उपयोग ट्रिपल तलाक समाप्त करने में किया, बहुमत का उपयोग राम मंदिर बनाने में किया, बहुमत का उपयोग पीएफआई को खत्म करने में किया। भाई और बहनों, मेरे वीडियो से छेड़खानी कर फेक वीडियो बनाए और भ्रांति फैलाना चाहते रेवंत रेड्डी, ये अच्छा नहीं लगता है। फिर कहते हो कि दिल्ली पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। भाई, फेक वीडियो बनाओगे तो और क्या होगा? ये केसीआर मोदी जी से हिसाब मांगते हैं, तेलंगाना का कितना टैक्स हुआ हमें हिसाब दीजिए। अरे केसीआर, तेलंगाना हिसाब तो मैं आराम से आज जल्दी है जरा आऊंगा तब दे दूंगा, मगर शराब घोटाले में तेलंगाना की जनता का कितना रुपया खा गए इसका हिसाब आप तेलंगाना की जनता को दीजिए। भाई, तेलंगाना की जनता, भाई और बहनों, ये बीआरएस पार्टी ने तेलंगाना को बर्बाद करने का काम किया है। मैं आपको बताकर जाता हूं, मोदी जी के नेतृत्व में आप एक बार फिर से सरकार बना दीजिए, तेलंगाना को
देश का नंबर एक राज्य बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाई और बहनों, मैं ज्यादा बात करना नहीं चाहता। मोदी जी ने देश के 80 करोड़ गरीबों के लिए ढेर सारे काम किए, करोड़ों लोगों को मुफ्त राशन दिया, शौचालय बनाया, गैस का सिलेंडर दिया, घर दिया, इसके साथ साथ नल से जल दिया। परंतु मैं आज एक बात कहना चाहता हूं, इस सारी योजनाओं में पूरे देश में सबसे पहला नंबर किसी एमपी का आता है तो आपके एमपी अरविंद धर्मपुरी का आता है। भाई और बहनों, आने वाले दिनों में चुनाव है, अरविंद को दूसरी बार संसद बनाकर भेजिए, मोदी जी के हाथ मजबूत करिए, हम तेलंगाना का विकास करेंगे, गरीबों का कल्याण करेंगे। मुझे बताओ भाइयों बहनों, कमल के निशान पर बटन दबाओगे? जोर से बोलो, चारों ओर उस ओर भी बोलो, जोर से दबाओगे? अरविंद को जिताओगे? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी पीछे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे।